नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अन्य जानवरों से परेशान किसानों ने संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत। आपको बता दें कि बुंदेलखंड में किसान पिछले कई वर्षों से प्रकृति की मार झेल रहे, कभी सूखा तो कभी ओलावृष्टि, और अब किसानों के लिए नई मुसीबत बन खड़े रहे अन्य जानवर, जिसको किसानों से बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सरकार द्वारा चलाई जाई गई गौशाला योजना में अभी भी कुछ गांव अधूरे हैं, जहां पर गौशाला का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। इसी से परेशान होकर सरीरा तहसील के रिगवारा खुर्द के किसानों ने तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस पर अधिकारियों को प्रार्थना पत्र सौंपकर बताया कि उनके खेत में मंगरोल मौजा में पड़ते हैं। मंगरोल में अभी तक गौशाला नहीं बनी है, जिससे उस गाँव के जानवर हमारे खेतों की फसल को चट कर जाते हैं। इस बारे में गाँव प्रधान मंगरोल लाखन सिंह से बात की तो उन्होंने दबंगई दिखाते हुए कहा कि मैं चराने जाऊं जानवरों को, और साथ ही कहा कि जब हमारे गांव में गौशाला बन जाएगी तभी प्रबंध हो पाएगा। जिससे निराश होकर रिगवारा खुर्द के किसानों ने संपूर्ण समाधान दिवस पर प्रार्थना पत्र सौंपा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि योगी सरकार के आदेश के बाद भी अभी तक गौशाला क्यों नहीं बन पाई। प्रधान को और सचिव को है और आप वहां पर गए, तो उनका क्या कहना है? नहीं, हमने सभी को सूचना दी है, लेकिन सब टाल मटोल कर रहे हैं। वो प्रधान भी टाल मटोल कर रहे हैं और वो सचिव भी टाल मटोल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तक जो है हम निर्माण करा रहे हैं, जब निर्माण पूर्ण हो जाएगा तभी हम जो है नगायों का इंतजाम कर पाएंगे। आप इतने सारे लोग तहसील दिवस में आए हुए, कहाँ से आए हो, क्या है आपकी समस्या? हम ग्राम रेगुआरा खुर्द से आए हुए हैं। अन्य जानवरों के मारे परेशान हैं, जो कि ग्राम मंगरोल से आते हैं। उनको प्रधान को कई बार सूचित भी किया गया, कहा भी गया, तो और प्रधान दबंगई दिखा रहा, कह रहा कि ये बन जाएगा तब हम अन्य जानवरों का प्रबंध करेंगे। जब तक हमारी गौशाला कंप्लीट नहीं होती, जब तक अन्य गायों का प्रबंध नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सभी लोग इकट्ठे होकर के तहसील दिवस में साहब के पास एप्लीकेशन देने के लिए आए हुए, जैसे अन्य जानवरों से हमको निजात मिल सके।